हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपको नॉलेज देने वाला है। जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तो कुछ समय के बाद में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसकी स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है। तो हम लोग क्या ऐसा करें जिसके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हमारी जो स्पीड है उसमें कुछ इम्प्रूव हो जाए। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे हम अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्पीड है वो पहले की तुलना में काफी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप 3 या 4 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका लैपटॉप है वो पहले की तुलना में बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ सर्च बार पे आना है और आपको यहाँ पे लिखना है RUN, रन लिख के आपको सिंपली रन कमांड है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज और यहाँ पे आपको लिखना है temp और वापस परसेंटेज लगा के इंटर कर देना है। और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह है इनको ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ A दबा के ऑल सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ है वो डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर दोगे, जितना डिलीट होता है उतना डिलीट कर दो, बाकी जो रहता है उसको वहीं पे छोड़ दो। तो जितना भी डिलीट होता है उसको डिलीट कर दो। इससे क्या होता है, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर जो भी टेम्प फाइलें बनी होती है वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है। उससे भी हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर स्पीड है वो इम्प्रूव होती है। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो सी ड्राइव है उस पर आपको प्रॉपर्टीज पे वो क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप पर ओके कर देना है और यहाँ पे जिस पर राइट का निशान नहीं है उस पर आपको सिंपली क्या करना है, राइट का निशान है वो कर देना है और सिंपली ओके कर देना है और यहाँ पे डिलीट फाइल्स है वो उस पर सिलेक्ट कर देना है। तो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद में आपका जो भी ड्राइव है वो सारा क्लीनअप हो जाएगा और आपका जो लैपटॉप है वो काफ़ी स्मूथ चलने लगेगा। यहाँ पे ओके कर देना है, बस हो गया काम। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या यहाँ पे RUN रन रन कमांड ओपन करके आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रीफेच नाम से लिखना है PREFETCH और इंटर कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ में वो डिलीट कर देना है, सारी फाइलों को डिलीट कर देना है, जितनी होती है नहीं होती है उनको स्किप कर दो, बस इतना ही करना है। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे RUN रन लिख के ओके कर देना है और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है TREE, ध्यान से देख लीजिए TREE कमांड डाल के आपको इंटर कर देनी है। तो कुछ कमांड है वो आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे चलेगी, मेरे वाले में कुछ टाइम के लिए ही चली और तुरंत बंद होगी, आप वाले में थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है जिससे क्या है आपके जैसे टेम्परेली फाइल्स कुछ ज़्यादा बनी होगी तो ज़्यादा टाइम लेगा, कम बनी हुई होगी तो कम टाइम लेगा। तो मेरे वाले में कुछ ही सेकेंड में हो के आपने देखा होगा डिस्प्ले पर जल्दी से हो गया। तो ये आपके टेम्परेली फाइल पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है वो काफ़ी स्मूथ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। इससे क्या होती है, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जो टेम्पल फाइलें होती हैं या थोड़े वो जो वायरस आ जाते हैं उससे उसकी वजह से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की वो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, आई होप कि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पे बने रहे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।